हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज्योत्सना और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप प्रॉपर वे में ऑयलिंग कैसे कर सकते हैं। ऑयलिंग के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है ओवरनाइट ऑयलिंग, सेकंड टाइप जो है वो है नहाने के पहले ऑयलिंग करना। तो फर्स्ट जो टाइप है ओवरनाइट ऑयलिंग, वो जिनके स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा फ्रीजी है, बाल डैमेज्ड है या दो मुँह बाल है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जिनकी स्कैल्प जो ऑयली है उनके लिए जो सेकंड टाइप है ऑयलिंग का, मींस नहाने से पहले वाला ऑयलिंग, वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि मेरी स्कैल्प जो है ऑयली है और जब मैं ओवरनाइट ऑयलिंग करती हूँ तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा निकलते हैं। मैं नहाने से पहले प्रिफर करती हूँ ऑयल करना और इससे मेरे बाल नहीं निकलते हैं। तो गाइज़, जो भी आपका स्कैल्प टाइप हो आप उसके अकॉर्डिंग ऑयलिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। बट शुरू करने से पहले गाइज, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। करते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑयल। और गाइज़, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। सो गाइज़, मैं मस्टर्ड ऑयल हमेशा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है बालों के लिए। इसके अलावा आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हो। बट मैं मस्टर्ड ऑयल बचपन से यूज़ कर रही हूँ। और ये क्या है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हो सकता है बहुत लोग ऑलिव ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आलमंड ऑयल भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा आता है। तो मस्टर्ड ऑयल ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा सबके लिए अफोर्डेबल है और बेनिफिशियल भी है। सो गाइज़, मैंने ऑयल को हल्का सा वॉर्म किया है, गुनगुना किया है, जिससे हम जब इससे मसाज करेंगे तो हमारे स्कैल्प का जो ब्लड फ्लो अच्छे से होगा और जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो उससे भी हेल्प करेगा। और अगर आपके बाल फ्रीजी हैं, डैमेज्ड है, तो आपके बालों को अच्छे से ये मॉइस्चराइज करेगा। नेक्स्ट हमें चाहिए कॉटन। इसे अप्लाई करने के लिए आप अपने फिंगर से भी ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं। बट कॉटन से ये होता है कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे मात्रा में अब्सॉर्ब हो जाता है और हमारे जो स्कैल्प पे लगाने में कन्वीनियंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इस तरीके से फिर हमें कॉटन में ऑयल को लेना है और फिर बालों को पार्टीशन करके, जैसा ये मैंने पार्ट किया है इधर, इस तरीके से हमें अप्लाई करना है। फिर इसी तरीके से पूरे अपने स्कैल्प पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार कॉटन में ऑयल लिया है तो आपको बार बार ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कंफर्टेबली अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, अब हमें पीछे भी अच्छे से इस तरीके से ऑयल लगाना है। और सो गाइस, मैंने ऑयल जो है अपने पूरे स्कैल्प पे अप्लाई कर लिया है। अभी मैं अपने बालों के जो लेंथ है उस पर भी ऑयल को अप्लाई कर लूँगी। और इसके लिए मैं अपने पाम का यूज़ कर रही हूँ, इधर मैं कॉटन का यूज़ नहीं करूँगी। इस तरीके से पाम में ऑयल को लेके पूरे लेंथ में अच्छे से ऑयल को अप्लाई कीजिए। हल्के हाथों से इस तरीके से मसाज करना है। ऑयलिंग के बाद मसाज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उससे क्या होता है कि ऑयल अच्छे से स्कैल्प पे पेनिट्रेट हो जाता है और ये ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। गाइस, मेरी ऑयलिंग हो चुकी है और इसके बाद फिर मैं एक लास्ट स्टेप करती हूँ, वो है स्टीम देना अपने बालों को। आप इसे स्किप कर सकते हैं बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। सो गाइस, इसके लिए हमें चाहिए एक गर्म पानी में भीगा हुआ टॉल, और जो टॉल है वो हल्का गुनगुना होना चाहिए क्योंकि हमें बालों को स्टीम देना है। मैं अपने बालों को अच्छे से इस टॉवल से कवर कर लूँगी। और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रहने देना है जब तक टॉल वार्म हो। अगर इससे हमारे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा सिल्की, स्मूथ और बिल्कुल बाउंसी हो जाते हैं तो आप ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। स्टीम करने के बाद फिर इसे नॉर्मल जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं उसे अपने बालों को वॉश कर लीजिए। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज़, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। गाइज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।